ये जो अभी रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है नगर विकास मंत्री के द्वारा, क्या कहेंगे? नगर विकास मंत्री के द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है वो एकदम फरेब है, धोखा है, छलावा है और झूठा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तो उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार वो चले हमारे साथ शहर के गली मोहल्ला में घूम करके देख ले क्या स्थिति है, शहर में बीच टाउन में क्या स्थिति है, चलने का मतलब व्यवस्था नहीं है, नरकीय व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं और रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। आप हवाई अड्डा को ले लीजिए, शहर के गंदगी को ले लीजिए, जलमग्न एरिया है, पूरा उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है, नाला पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है, एक बार थोड़ा बारिश हो जाता है पूरा शहर डूबा हुआ रहता है, हर मोहल्ला डूबा हुआ रहता है। कोई काम के नाम पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है 10 वर्षों में, केवल 5 साल की बात नहीं करते हैं, 10 साल में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। जब मन होता है तब जा कर के 200-500 लगाएंगे नेम प्लेट वाला आ जा कर उद्घाटन कर लेते हैं वहाँ ऑडिटोरियम में, और उसके बाद वहीं पर सब टूट करके ध्वस्त हो जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन मंत्री जी कह रहे विकास के पथ पर है, मुझे हाँ तो भाई विकास के पथ पर है कि विनाश से गड़बड़ा गया होगा उनसे कहने पे, उनको लिखना चाहिए विनाश के पथ पर मुजफ्फरपुर क्या काम किए हैं। बड़े दावे के साथ कल कह रहे थे, हम देख रहे थे कि कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी को हम लाए हैं शहर में, वो पूर्व विधायक जी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी को वर्षा रानी लाई है, दोनों आदमी बुरबके हैं। अब न स्मार्ट सिटी को वर्षा जी के हाथ के चीज़ है, न ये विधायक जी के हाथ के चीज़ है, न मंत्री जी के, वो तो केंद्र सरकार का योजना है और केंद्र सरकार दिया तो उसको भी लोग बचा के नहीं रखा, इसको धरातल पर कितना उतारे हैं लोग, वो तो क्या जनता को बताते कि स्मार्ट सिटी अगर केंद्र सरकार की ओर से मुजफ्फरपुर को नामित किया गया तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया रहता तो मुजफ्फरपुर की धरातल पर धरती पर परिणाम नहीं दिखता कि जलमग्न है, विकास का 10 साल का दावा उनका दिख रहा है, खुद तो पैंट उठा के चलते हैं और दूसरों को विकास बता रहे हैं कि विकास के रिपोर्ट कार्ड हम जारी कर रहे हैं, जनता सब चीज़ समझ रही है। स्मार्ट सिटी का रेटिंग नीचे से सबसे लास्ट में, स्मार्ट सिटी का रेटिंग है वो खत्मे कर दीजिए, कोई स्मार्ट सिटी का नहीं नाम हो पाया। काम आया था, हम लोगों को पता था कि 7 तारीख तक हो सकता है उसका टेंडर हो गया, वो तो खत्म हो गया, अब टेंडर किसी को मिला नहीं, अब मिला नहीं तो काम नहीं होगा तो रेटिंग क्या होता है, कोई रेटिंग नहीं है। मन है तो कहिए स्मार्ट सिटी, नहीं जाइए नाचिए गाइए कि स्मार्ट सिटी हो गए, जिस हालात में है उसी हालात को स्मार्ट सिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा जी कहिए रहे हैं, अब फेंकना है मुँह से फेंकना है तो जेब फेंक दीजिए, जनता सब चीज़ समझ रही है और समझती है, अब इन लोगों के बात में आने वाली नहीं है जनता। पूर्व विधायक भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हमने किया था 15 साल। हाँ 15 साल में ही किए हैं, तब तो जनता निकाल के बाहर बिक दिया है, और 15 साल में वो क्या किया तो जनता उसका परिणाम उनको दे दी है, और उसके बाद रहा कि वर्तमान जो है तो इनका भी 10 साल हो गया, जनता इनको भी देख लिया है कि हो अपना एजेंसी खोले के, स्कूल खोले के, उद्योग धंधा बढ़ावे के अलावा धरातल पर कोई काम करने वाले लोग नहीं है, तो चुनाव आइए रहा है, इनको भी मतलब बाहर करेगी, तब इनको समझ में आएगा कि जनता के साथ वाजब फरेबी करने का क्या परिणाम होता है। स्मार्ट सिटी का काम चल रही है मुजफ्फरपुर में, मंत्री का कहना है कहाँ काम चल रही है, चलिए हमारे साथ चलते हैं, तो मंत्री जी को हम दावा करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि क्या तो उछल के अपना स्मार्ट सिटी के काम दिखाए, और नहीं तो हमारे साथ चले तो कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ है, कहाँ का नरकीय व्यवस्था है शहर का, जो दुर्दशा इन लोगों ने करके रखा है 15 साल पूर्व विधायक और 10 साल से वर्तमान विधायक, इन दोनों आदमी को चलिए हम घुमा घुमा के दिखाते हैं क्या हाल करके शहर को इन लोगों ने छोड़ा है। शहर की जनता अब समझदार हो गई है, समझ गई है सब चीज़, व्यवसाय के लेकर के आम जनता तक, इस बार इन लोगों को सबक सिखाने का पूरा काम करेगी, इसके लिए इनको अब चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, ये अपन बुढ़िया वस्त्र बांध ले। जनता का कहना ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन है ना, ऑप्शन हम देंगे, जनता का कहना है ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम देंगे, हम लोगों ने लड़ा है, गरीब जनक्रांति पार्टी ने लड़ा है, हमने जेल गया था मुजफ्फरपुर के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, गरीब जनता के लिए और मुजफ्फरपुर के हर समस्या के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हमने काम किया है और काम हम कर रहे हैं। गरीब के बच्चा मर रहा था उसके लिए हम जेल गए, वो हमारा नहीं ना था, हमको 2 कट्ठा जमीन नहीं ना चाहिए था, हमने गरीबों के लिए लड़ा और उसके लिए जेल गए। उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल द्वारा लूट खसोट होता है क्या इन लोगों को पता नहीं है? मंत्री जी को सबको पता है लेकिन सबको कमीशन पहुँचता है इसलिए लोग चुप बैठते हैं, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं,
हमारे जान के दुश्मन कई लोग बने हुए हैं, तो जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हर गली टोला टोला मोहल्ला में हम लोग जाते हैं। पानी का समस्या था, गर्मी के मौसम में हम लोगों ने पानी का व्यवस्था करवाया है। जो भी समस्या होता है उसके लिए हम लोग लड़ते हैं, और विकल्प मैं दूंगा जनता को, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और सेवा भाव वाला विकल्प होगा, जो दिन रात जनता के सेवा के लिए तत्पर है। कोई व्यवसायिक नहीं होगा, उद्योगपति नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं होगा, केवल शुद्ध जनता का सेवक होगा, और वो सेवक हम प्रदान करेंगे, जनता के बीच में हम देंगे। अच्छा,